हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज मेरे पास थे दो मसनद जो काफी पुराने हो गए थे, तो उन्हीं मसनद के कवर मैंने पुराने ही कपड़ों से बनाए हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से पुराने मसनद को नया किया है। और देखिए, ये थे मसनद जो काफ़ी पुराने हो गए थे, तो काफ़ी समय से मैं सोच रही थी इसको कुछ मैं नया लुक दूँ। तो ये मेरे पास एक प्लाज़ो था, काफ़ी फट चुका था मेरा, तो मैंने प्लाज़ो से ही इसको बनाया है। तो ये मैंने लिए हैं प्लाज़ो के जो दोनों साइड के पैर थे उनसे मैंने कपड़ा निकाल लिया है। और ये देखिए, दो मैंने कपड़े निकाल लिए हैं और इनको थोड़ा सा चौकोर करके काट लिया है, अलग अलग कर लिया है। तो ये मैं बना रही हूँ दो मसनद के कवर। तो इस तरह से मैंने दो पीस प्लाज़ो से निकाल लिए हैं और प्लाज़ो से मुझे काफ़ी कपड़ा मिल गया जिसका मैं मसनद कवर आराम से बना सकती हूँ। ये देखिए, छोटे हैं लेकिन मैंने सोचा है इसका कुछ नया लुक दिया जाए, तो मैंने इसका लिया है नाप। ये देखिए, मैंने नापा है, ये है थोड़ा 21 इंच। तो 21 इंच से मैंने इसको थोड़ा 2 इंच ज़्यादा ही रखा है क्योंकि ये थोड़ा सा साइड से फोल्ड भी होगा, तो मैंने 2 इंच ज़्यादा लिया है नाप से। और फोल्ड करूँगी यहाँ साइड में तो उसमें नाड़ा भी डलेगा। और ये मैंने ली है गोलाई, तो गोलाई भी इसकी 17 इंच है, उसको भी मैंने 18 इंच रखा है क्योंकि 1 इंच जो है वो सिलाई में चला जाएगा जब मैं इसको आपस में जोड़ूँगी। तो ये देखिए, मैंने 18 इंच ले लिया है। अब इस कपड़े से ही मैं जितनी भी लंबाई और इसकी गोलाई है उसका नाप का मैं कटिंग कर लूँगी। कपड़ा काफ़ी बड़ा है इसलिए मुझे उसी हिसाब से मुझे कटिंग करनी है। ये देखिए, मैंने लंबाई नापी, अब मैं नाप रही हूँ गोलाई और इसको नाप के मैंने कर ली है कटिंग। देखिए, मैंने ये ली है इसकी गोलाई की नाप। ये मैं आपको ऐसे भी दिखा रही हूँ कि मसनद की जो गोलाई थी वो 17 थी, तो मैंने 18 इंच लिया है, 1 इंच का मैंने मार्जिन लेके चला है कि जब मैं इसको अटैच करूँगी आपस में तो 1 इंच कपड़ा उसके अंदर चला जाएगा। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको लंबाई इसकी 21 इंच थी, मैंने 24 इंच ली है। और देखिए, अब मैं कर रही हूँ कटिंग। मसनद की जितनी भी लंबाई थी और गोलाई थी उसी हिसाब से इंची टेप से नाप के मैं कपड़े को उतना ही निकाल रही हूँ क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा मुझे मिल गया था प्लाज़ो से, तो मैंने उसी हिसाब से लंबाई की कटिंग कर ली और उसी हिसाब से मैं कर रही हूँ गोलाई की कटिंग। तो मेरे को जितना मसनद का कवर बनाना है उसी कवर के हिसाब से मेरे को कपड़ा ये मिल गया। तो ये मैंने कटिंग कर ली है और दोनों साइडों से कटिंग करके इस तरह से मेरे को एक पीस तैयार हो गया। इसी तरह से मैंने दूसरा पीस भी तैयार कर लिया है। और ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि 1 इंच का फोल्ड मैं यहाँ पे करूँगी क्योंकि इसमें डलेगा नाड़ा, तो ये दोनों साइडों से मैं 1-1 इंच फोल्ड कर दूँगी और दोनों साइडों से मैं इसमें डालूँगी नाड़ा जो मसनद में हम कवर चढ़ाएंगे तो उसको साइड से कसने के लिए। ये देखिए, बता रही हूँ कि मशीन से बाद में मैं इसमें सिलाई लगा दूँगी। तो इस तरह से मैंने अभी दोनों साइडों से 1-1 इंच का फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करके मैंने मशीन से सिलाई लगा ली है। और मैं कर रही हूँ इसका थोड़ा सा डेकोरेट क्योंकि डेकोरेशन के बाद चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। तो ये देखिए, लेस थी मेरे पास, तो ये लेस भी मेरे घर में पड़ी हुई थी, मैंने कुछ मार्केट से सामान नहीं मंगाया है। और एक मसनद के कवर में मैंने 2 लेस की पट्टियाँ लगाई हैं और ये मैंने सिलाई से इसको अटैच कर दिया है। और देखिए, जो मेहरून कलर है ना उस पर जो गोल्डन कलर की मैं लेस लगा रही हूँ वो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो ये मैंने इस तरह से एक तरफ लगाई है, इसी तरह से मैंने दूसरे साइड भी, दूसरे साइड के मतलब बराबर बराबर में मैंने लगा दी है इस तरह से लेस। और देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसको कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है। डबल फोल्ड करके मैं साइड से जो है इस तरह से दोनों लेस जो हैं बराबर बराबर अटैच करके ये यहाँ से सिलाई लगा दूँगी मशीन से। तो मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से मेरे को सिलाई लगानी है। और देखिए, ये मैं मशीन से कर रही हूँ इसको अटैच। तो कोई भी चीज़ होती है ना घर में बनाने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। कपड़ा तो हम यूं ही बेकार समझ के फेंक देते हैं लेकिन उसको अगर हम अच्छे से यूज़ कर लें तो हमारी कोई कभी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है। तो इस तरह से मैंने जो कवर बनाया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बन के तैयार हुआ है। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर लगा दी इस तरह से सिलाई, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये साइडों में जो है, इस साइडों में अभी मैंने पहले आपको बताया था 1-1 इंच का फोल्ड करना है, तो मैं अब इसको यहाँ से मशीन से 1-1 इंच का फोल्ड कर रही हूँ। तो फोल्ड करने के बाद इसमें ना मैं नाड़ा डालूँगी। तो ये देखिए किस तरह से मैं इसको दोनों तरफ से मैंने फ़ोल्ड किया है, ये आपको सब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने दोनों मसनद के जो कवर है उसका दोनों साइडों से फ़ोल्ड करके 1-1 इंच इसमें नाड़ा डाला है।
तो ये मसलन मेरा बहुत ज़्यादा पुराना था जो मैंने उसको नया लुक दिया है, तो मेरे को तो बना के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और साइड में मैंने एक छोटा सा कट भी छोड़ा है कि मैं नाड़ा उसके अंदर पिरो सकूँ। तो ये मेरा यहाँ से कंप्लीट हो गया है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था यहाँ से कि ताकि मैं इसके अंदर नाड़ा डालूँ, और ये दोनों तरफ से इस तरह से मैंने तैयार कर लिया। और ये मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ कि देखिए सीधा करके कितना प्यारा लग रहा है कवर। अभी तो मैंने सिर्फ इसको आपको दिखाई रही हूँ तैयार करके। अभी मैं इसमें ये मैंने नाड़ा पहले ही तैयार करके रख लिया था, तो ये मैं पिन की सहायता से इसमें नाड़ा डाल रही हूँ। और कितना इजी है आपको खुद ही लग रहा होगा कि कितना इजी तरीके से ये मसंद का कवर बन के तैयार हो गया। और मैंने ये नाड़ा जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि जब हम इसको कस के बांधेंगे, जब कवर चढ़ाएंगे, तो इसी से पूरी लुक आ जाएगी। तो इस तरह से देखिए मैंने पूरा नाड़ा इसके अंदर डाल दिया है, जहाँ से कट था वहीं से मैंने पिन को बाहर निकाल लिया है। तो अभी मैंने एक साइड डाला है और बाकी मैं दूसरी साइड भी इसी तरह से पिरो दूँगी। और मुझे तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सिलाई का शौक़ है, तो जब भी टाइम मिलता है तो कुछ ना कुछ अपना करती रहती हूँ। तो आप ये वीडियो मेरी देखिए, देखिए बताइएगा कि आपको मेरा मसनद का कवर कैसा लगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि मैंने कोई चीज़ बनाई है तो आपको कैसी लगे। तो ये देखिए पहले मैंने उधर का नाड़ा डाला था और उसको पिरो दिया था, अब मैं ये दूसरी साइड का नाड़ा जो है इसके अंदर डाल रही हूँ। तो ये दोनों तरफ से मैंने इस तरह से नाड़े इसके अंदर डाल दिए हैं। नाड़े डालने के बाद ये मैंने पिन से डाला था, पिन को मैंने थोड़ा अलग कर दिया, और अब इसको देखिए इस तरह से लुक आ गया पूरा इसका। तो अब मैं इसको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं इसको, अभी तो मैंने रखे दिखाया है, मैं इसमें कवर चढ़ा रही हूँ। तो छोटा सा मसल था और काफ़ी समय से इग्नोर हो रहा था, तो मैंने सोचा इसको मैं कुछ ऐसा लुक दे दूँ ताकि लोग इसको रखना पसंद करें। तो इस तरह से मैंने कस के इसमें नाड़ा बांध दिया एक तरफ से, और अभी मैं दूसरी तरफ से भी आपको दिखाती हूँ कि दूसरी तरफ से भी मैं इस तरह से कस के खींच के नाड़ा इसका बांध दूँगी। तो ये देखिए दोनों तरफ से मैंने इसको कस के बांध दिया और लुक आ गया है कुछ इस तरह से। और इसकी जो एक्स्ट्रा डोरी थी वो मैंने इसके अंदर ही डाल दी है, क्योंकि थोड़ी डोरी हमें बड़ी इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि जब भी हम इसे उतारेंगे तो हमें पूरा खोलना पड़ेगा, तो नाड़ा जो है वो थोड़ा लंबा ही होना चाहिए, नहीं तो अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको बांधा है। बांधने के बाद जो भी एक्स्ट्रा है दोनों तरफ से उसको मैंने अंदर कर दिया। तो अंदर करने से क्या है कि नाड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा है और वो जो गैप था वो भी भर गया है। तो इस तरह से मैंने इसको तैयार किया है। तो ये देखिए आपको कैसा लग रहा है आप बताइए। और इसी तरह से मैंने मसंद के दोनों कवर तैयार कर लिए हैं। देखिए ये मेरे मसंद के कवर बनके हो गए हैं तैयार, और बताइए आपको कैसे लगे हैं और अब फिनिशिंग कैसी लगी। तो अगर आपको अच्छे लगे हो ये सिंपल सा तरीका, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।